धमतरी जिले के नगरी जनपद पंचायत में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली है। कांग्रेस से समर्थित सदस्य अशोक सोम ने निर्विरोध निर्वाचन के साथ ही अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा लिया है। तो ही उपाध्यक्ष के रूप में निर्दलीय सदस्य मुकेश बघेल सर्वसम्मति से निर्वाचित हो गए। दरअसल नगरी जनपद पंचायत के 21 सदस्यों ने जनपद अध्यक्ष पिंकी शिवराज शाह और उपाध्यक्ष रामदयाल साहू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिस पर 13 मई 2019 को नगरीय जनपद पंचायत सभा कक्ष में अविश्वास प्रस्ताव सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में अध्यक्ष पिंकी शिवराज शाह और उपाध्यक्ष रामदयाल साहू को करारी हार के बाद अपने पद से हाथ धोना पड़ा था। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी खाली होने के बाद 3 जून को नगरीय जनपद पंचायत में चुनाव संपन्न हुआ, जहां कांग्रेस से अशोक सोम ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। उनके अलावा किसी और सदस्य द्वारा नामांकन फॉर्म नहीं भरा गया। इस तरह एकमात्र नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी अशोक सोम अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हो गए। उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा से निष्कासित किए गए जनपद सदस्य मुकेश बघेल ने नामांकन भरा था, जिन्हें सभी सदस्यों का समर्थन मिला है। उनके द्वारा जो नॉमिनेशन फॉर्म फिल अप किया गया था, जो अभी निर्वाचित घोषित किए गए हैं और 21 सदस्यों की उपस्थिति, उन्होंने लगातार यहाँ के जनपद सदस्यों से संपर्क रखा और कांग्रेस की रीति नीति को उनको समझाया, और विशेषकर जब भूपेश बघेल जी यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं और आदिवासियों के लिए उन्होंने जो काम करने की जो घोषणा पत्र में शामिल किया है, उससे सभी प्रभावित होकर, चाहे वो बीजेपी के सदस्य हों चाहे यहाँ कांग्रेस के सदस्य हों, सभी प्रभावित होकर कांग्रेस के ऊपर और भूपेश बघेल जी पर अपना विश्वास। जून को जो तिथि निर्धारित की गई थी इसमें मतदान करवाए करके, आज हमारे 21 सभी साथियों के साथ हम लोगों ने इसमें मतदान किया है और आपने देखा कि हम निर्विरोध रूप से एक ही फॉर्म भरा गया, सभी साथियों ने सहयोग किया और निर्विरोध रूप से आज अध्यक्ष चुनाव।